हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मेरी कहता आप सब लोग खैरियत होंगे, चाह भी होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माद और मेरा नाम है खुरम। तो यार पुलिस जो है ना वो अजय के पीछे लगी हुई, अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि डिसूजा ने बड़ी अच्छी चाल चली थी। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। अरे तू चल, अरे वो ठीक है, मैंने गोली नहीं दी थी। लेकिन ये आ गया पुलिस की गिरफ्त में। तुम लोग उधर से जाओ। चल अच्छा हुआ, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे सबके सब। तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर, तुम और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। ये लो। देख ले इसका। मैं बलवंत राय जैसा हैवान नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। बेवजह किसी की जान नहीं ले सकता मैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम मुझे क्या इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारा बुरा सिस्टम तो तलवे चाटता उसकी, गुलामी करता उसकी। जानते हो जिसकी हिफाजत कर रहे हो वो क्या है? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है। तुम मेरे इंसाफ की फिक्र छोड़ो इंस्पेक्टर, और जाओ अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो। लेकिन वो बचेगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। हाँ ये तो है, जाओ लगा। आज ही मारूंगा उसे, आज ही। दे दिया भाई, आज ही मारूंगा। वर्षा, वो वर्षा के पास नहीं आना चाहिए था। वर्षा, क्योंकि डिसूजा ने टाइप किया हुआ था ना। आओ मिस्टर अजय, हम जानते थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे। और आप, वर्षा हमारे कब्जे में है। ये तो खेल है मिस्टर अजय। उसका कुत्ता, कभी पासी उधर कभी पासी इधर। लेकिन मैंने कहा था ना शर्मा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे बहुत पछताओगे। वर्षा मेरे कब्जे में। पता वर्षा कहाँ है? महाकाली रोड पुराना और मार पाएगा। मार उसको, ये तो बेहोश हो गई। देखा फिर आरामी पन किया इसने। अस्पताल तू तो अब गया, एक और भी गया, दो दोस्ती में मार और एक वो पुलिस ने पकड़ लिया। डिसूजा क्या हुआ? ये तो हो फिनिश हो गया, क्लास फिनिश, क्लास।
जैसी करनी वैसी बर्बाद। जैसी करनी वैसी बर्बाद। गई बलवंत का कुत्ता। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसमें बलवंत राय के बारे में सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आप मुझे बचा लेंगे ना? घबराओ नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं मरना नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब। चिंता नहीं करो, साइन इट। शर्म नहीं आती? वो सरेआम एक पुलिस ऑफिसर को भून कर चला जाता है और कहते हो कि हाथ नहीं लगा। वो पुलिस वाला था। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी चाहिए। नहीं, आज उसने इंस्पेक्टर शर्मा को मारा। कल इंस्पेक्टर शर्मा नहीं सर, अपराधी शर्मा कहिए। बलवंत का कुत्ता, तुम कहना क्या चाहते हो? पता लग गया लगता है इनको भी। सर, वो उसे लिखवा रहा था ना। ये बलवंत राय के सेक्रेटरी मोहिले का बयान है। ये उनकी काली करतूतों का चिट्ठा है। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये उस बड़ी शख्सियत का घिनौना रूप है। उसको पता है। हमारे इंस्पेक्टर शर्मा कानून की वर्दी पहनकर बलवंत राय के लिए काम कर रहे थे, और हम बलवंत राय को गिरफ्तार करने के बजाय जी जान से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस ने आज तक उसकी खिलाफत क्यों नहीं की सर? Enough. डिसूजा आया ही ना, ये अच्छा है पुलिस वाला। डिसूजा, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ये तो है। और ये भी सच है कि मुझे सब कुछ मालूम है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। अच्छा। मैंने जब भी उसके खिलाफ कुछ करना चाहा तो मुझे बड़ी ताकतों के आगे झुकना पड़ा। झुकना नहीं पड़ा तो उसकी पहुंच ऊपर तक है। और फिर ये मत भूलो कि हम अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे अधिकार महज एक दिखावा है। हमारे बस में कुछ नहीं है, डिसूजा कुछ भी नहीं। पुलिस अगर ताकत में आ जाए तो उसके तो अपराधी अजय मेहरा नहीं, हम हैं। और अपराधी है हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम। अजय मेहरा नतीजा है कानून से जुड़े हम जैसे नपुंसक लोगों का। अगर कानून से उसे इंसाफ मिला होता तो आज जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत नहीं आती सर। बिल्कुल सही बात बोली। सही बोली, बिल्कुल बात। हम अजय को पकड़कर मारकर इस सिलसिले को खत्म नहीं कर सकते। जब भी कानून के हाथों इंसाफ का खून होगा, एक नया अजय पैदा होगा। क्योंकि कानून को ताकतवर होना चाहिए। माफ कीजिए सर, ऐसे कानून की सेवा करने के बजाय मैं वर्दी उतार कर अजय का साथ देना बेहतर समझता हूँ। नहीं भाई, वर्दी उतारना चाह रहा है। तुम जैसे ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है, और मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं कि तुमने मेरे सोए हुए एहसास को जगाया। हम लोग बलवंत राय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उसे सजा दिलवाएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। पर इससे पहले हमें रोकना है अजय को एक और अपराध करने से। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अदालत में अजय के लिए जो कुछ बन सकेगा मैं करूंगा। प्रॉमिस। नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। और कितनी बार पूछेंगे ये सवाल मुझसे? मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानती कि अजय कहां है। वर्षा को भी भाई पकड़ लिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, उस पुलिस वाले को तो ठोक दिया कुत्ते को। उसका इलाज यही होना चाहिए, क्योंकि वो बलवंत के टुकड़ों पे पल रहा था कुत्ता। बिल्कुल। और उसने देख अजय के दोस्त को भी मार दिया, और डिसूजा ने देख वो जो दूसरा दोस्त था उसको मारा है। वो गिरा है, जख्मी हुआ है, उसको मारा नहीं है, उसको अरेस्ट किया है। यहीं से उनकी ईमानदारी का पता लगता है, कितने अच्छे हैं वो। उनसे यहीं पे उनकी ईमानदारी पता चलता है यार, कितनी अच्छी है वजह। नहीं तो वो जो बलवान का जो कुत्ता था वो तो मार रहा था इसके दोस्तों को। वो तो इसके दोस्तों को मार रहा था। बाकी तू बिल्कुल सही कह रहा मार जी। और यही तो होना था ना उसके साथ। फिर बुराई का अंजाम बुरा होता है। और जाहिर बात, उसने इसके दोस्त को मारा, पीछे से हिट किया, हालांकि छोड़ गया था, मारना नहीं चाहा, लेकिन उसने उसको मारा। उसने फिर ठोका है, सरेआम ठोका है, और सही किया है। और उधर से देखा मार,
डेसूजा को वो जो सेक्रेटरी डरता रहता था उसने तो पार्टी चेंज कर ली, उसने सारा हल्फनामा लिख कर दे दिया। हाँ। यानी कि आप वो कानून की हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर डेसूजा को पता चल गया कि यार वाकई बलवंत राय जो है ना वो एक नंबर का स्मगलर है, सारे धंधे कारोबार काले सब कुछ वो ही करने वाला है। और देख ले उधर से जब वो सनी देओल ने उसको बोला ना कि यार जा बलवंत को जोर रोकना है रोक ले, पूरा कानून लगा दे, लेकिन मैं आज ही उसे मार कर रहूंगा। और वो सोचने पे मजबूर हो गया कि वाकई यार ये सिर्फ बंदा बलवंत राय को क्यों मारा, अगर मारना होता तो ये मुझे भी मारता, उसको तो कुछ नहीं बोला। वो भी सोच में मसरूफ हो गया था कि मतलब आखिरी बंदा बंदा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है वो कि यारा। और ये सबसे बड़ी बात, लेकिन अब आगे देखते हैं कि बलवंत राय ने अब आखिरी पत्ता फेंक दिया है वर्षा को किडनैप करके, तो अब आगे देखते हैं क्योंकि डिसूजा को पता चल गया, तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो